ये बहुत कॉमन सवाल मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर रजत गुप्ता, आप जिस तरह से गायनेकोमास्टिया सर्जरी करते हैं वो यूनिक कैसे है? वो यूनिक यूं है कि हम छाती के सामने, चेस्ट के सामने कोई कट या निशान नहीं देते। समझिए, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराने का मकसद क्या है? मकसद है कॉस्मेटिक कंसर्न, सोशल एम्बैरेसमेंट। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर मैन बूब्स, दे अवॉइड वेयरिंग टाइट टी शर्ट, वो टाइट टी शर्ट नहीं पहनते, वो थोड़े कंधे झुका के रखते हैं, दे डोंट सिट लाइक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी विद शोल्डर्स बैक, वो स्विमिंग पे और बीच हॉलीडे पे जाना अवॉइड करते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हमने किसी को फ्लैट मैस्कुलिन चेस्ट दे दिया, शेप अच्छा दे दिया, लेकिन चेस्ट के सामने कुछ कट्स आ गए, कोई निशान आ गए, एरियोला के अराउंड छाती पे कोई निशान कट आ गए, तो क्या वो इंसान स्विमिंग पे या बीच हॉलीडे पे जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। इसीलिए हम जिस तरह से टेक्निक करते हैं, एक रीसेंट एडवांसमेंट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं जिनको बोला जाता है माइक्रोवेयर और वेजर, और मैंने इसके बारे में कई वीडियोस भी बनाई हैं आपको बताने के लिए कि क्या ये टूल्स हैं, इनका फायदा क्या है। इस टेक्निक का फायदा ये है कि छाती के सामने, चेस्ट के सामने कोई कट नहीं आता, साइड में, बगल में 3 से 4 मिलीमीटर कट आए। इसका फायदा ये है कि अगर आप बेयर चेस्टेड स्विमिंग पे, बीच हॉलीडे पे दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं, कोई सामने से देख के बता ही नहीं सकता कि निशान आया है, कोई स्टिग्मा और गायनेकोमेस्टिया सर्जरी अटैच नहीं है, किसी को कोई निशान नहीं देख सकता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टिग्मा ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी शुड नॉट बी देयर आफ्टर द सर्जरी हैज बीन डन, दैट इज अ टेलटेल साइन अदरवाइज। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि सर साइड में तो निशान आता ही है, तो साइड का निशान आप खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, दिख ही नहीं सकता, बिकॉज वो बगल में हाथ के उस चक्कर में दिख जाता है। सिर्फ एक ही सूरत में वो निशान दिख सकता है, अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, सो वो निशान 3-4 मिलीमीटर का बहुत अच्छे हील हो जाता है 7-8 महीने में, बट फिर भी जैसे मच्छर ने काटा हुआ ऐसा निशान दिख सकता है। अब अगर वो निशान दिखता है जैसे मच्छर ने काटा हुआ साइड में, बगल में, सो कोई भी इंसान जो आपको देख रहा है, या आप भी अगर अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, वो निशान, दोनों निशान एक साथ कोई नहीं देख सकता। बायलैटरल स्कार्स विल नॉट बी विजिबल टुगेदर, वन कैन ओनली सी वन स्कार एट अ टाइम। सो कोई इधर से खड़ा है तो वो इधर का निशान देख पा रहा है, कोई इधर से खड़ा है तो इधर का निशान देख पा रहा है, एक साथ दोनों निशान नहीं दिखते। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके दो सिमेट्रिकल स्कार्स जब दिखते हैं, सो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि पहले गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराई है। कुछ लोग ये बात अभी नहीं समझ पाते हैं, आफ्टर दी सर्जरी दे आर बिकमिंग मोर कंसर्न कि जी अब तो स्कार दिख रहा है, गायनेको मैसेज तो चला गया, स्कार दिख रहा है। सो दैट इज द एडवांटेज, दैट नो टेलटेल साइन ऑफ प्रीवियस सर्जरी शुड बी विजिबल, द स्कार शुड बी हिडन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव डन मोर देन 1000 गायनेको मैसेज सर्जरीज यूजिंग दिस टेक्निक, ऑफकोर्स दिस टेक्निक रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल्स अपार्ट फ्रॉम टूल्स लाइक माइक्रोवेव एंड लेजर, क्योंकि ये टेक्निक थोड़ी सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, इसलिए वो टेक्निक कम लोग करते हैं, बट दिस टेक्निक इज द ओनली टेक्निक विच कैन अवॉइड एनी स्टिग्मा ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी बीइंग डन इन द पास्ट। सो ये यूनिकनेस है हमारी सर्जरी जिस तरह से करते हैं, एंड ऑफकोर्स जो हमारे रिजल्ट हैं आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और बहुत सारे वीडियोज में बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ्स हैं आप देख सकते हैं, सर्जिकल वीडियोज भी मैं डालता रहता हूँ यूट्यूब चैनल्स पे और अपने इंस्टाग्राम पे, सो प्लीज उसको फॉलो करें और देखें कि किस तरह से सर्जरी करी जाती है। आई ऑल्सो ट्रेन, मैं बहुत प्लास्टिक सर्जन को अक्रॉस द कंट्री एंड बाहर से भी लोग आते हैं, ट्रेन करता हूं, जिनको मैं सिखाता हूं कि ये टेक्निक, ये सर्जरी किस तरह से की जाए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेक्निक का फायदा उठाएं, इस टेक्निक से अपने गायनेकोमास्टिया को ट्रीट कराएं, सो दैट दे आर हैप्पी। सो थैंक यू, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन, आपको मांग और भी कोई सवाल है तो आप लिखें हमें, हमें कॉन्टैक्ट करें, एंड वी, me and my team are always there to help you. Take care. Bye-bye.